हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। IBPS PO के इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक और नया टॉपिक हम लेकर आ गए हैं। अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं की हुई हैं तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप ये वीडियो जो है पूरी की पूरी देख पाएं। और अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं तो अपना अकाउंट लॉगिन करके वीडियो देखिए, आपको ये इंट्रो पार्ट भी नहीं सुनना पड़ेगा, साथ ही आप जो है पूरी वीडियोज वहाँ पर देख पाएंगे। तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 80 से ज़्यादा मार्क्स आप इसी स्कोर कर पाएंगे। अगर रिव्यू देख रहे हैं और इंटरव्यू क्लास के, तो यहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं। एंड जब एक बार इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करके लॉगिन करते हैं तो IBPS के इंटरव्यू के लिए लॉगिन करेंगे तो देखिए वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड हैं, सारे वीडियोस अपडेट कर दिए गए हैं। इस तरह करके आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं, और यहां पर आप जब इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में वीडियोस दिखेंगे। यहां से आप डेली न्यूज़पेपर एक्सेस कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, करंट अफेयर्स। और इसी तरह PDF सेक्शन में जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारी देखिए PDF दी गई हैं जो पर्टिकुलरली इंटरव्यू के लिए हैं, इनको भी आप जरूर पढ़िए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने का लिंक चेक करिएगा, एंड कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। चलिए चेक क्या है, देखिए चेक के बारे में अगर हम बोलें तो इसका जो डेफिनेशन दी गई है, इसके बारे में जो डिटेल दी गई है वो दी गई है NI एक्ट के सेक्शन 6 में। तो एज पर सेक्शन 6 ऑफ NI एक्ट चेक क्या है, आप कहीं नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा जो डेफिनेशन एग्जैक्टली की हुई है। अ चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल अदरवाइज drawn then on demand and it includes the electronic image of a truncated check and a check in the electronic form. Basically check एक bill of exchange होता है, ठीक है, जो कि banker के लिए होता है, ठीक है, मतलब bank के लिए वो basically issue किया जाता है कि भाई आप पैसे दे दो किसको जिसका नाम check पे mention है, कब, जब भी वो demand करे। तो on demand, ठीक है, जब भी वो demand करे, bankers को ये instruction हम check के माध्यम से देते हैं कि आप ये पैसे इनको जितने भी मेंशन है दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी प्रेजेंट किया जाता है, कैसे, कंप्यूटर रिसोर्सेज का यूज करते हुए। एक CTS मशीन होती है, ठीक है, चेक आपने पढ़ा होगा, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने किसी वीडियो में कवर किया है कि नहीं किया है, नहीं किया है तो क्लियर करेंगे हम। तो उसमें क्या होता है, ट्रंकेटेड चेक की हम बात करें तो चेक जो ट्रंकेटेड होता है उसका मतलब ये होता है कि वो क्लियरिंग के लिए गया है, और क्लियरिंग हाउस में क्या होता है कि चेक फिजिकल फॉर्म में नहीं जाता है, चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज जाती है, ठीक है, चेक की एक क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज जाती है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक इमेज को हम क्या, ट्रंकेटेड चेक बोलते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, अगर चेक क्लियर होना है आपका, मानिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक चेक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दूसरा अकाउंट है, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट होल्डर है कोई, उसको किसी ने सेंट्रल बैंक का चेक दिया, अब वो अपने अकाउंट पे लगा रहा है, तो एक क्लियरिंग हाउस होता था जहां पर चेक जमा होते थे, दूसरी बैंक वाले ले जाते थे, उसको क्लियर करते थे, एक लंबा प्रोसेस होता था, उस प्रोसेस के तहत चेक क्लियर होता था और उसमें बहुत टाइम लग जाता था। तो उसके लिए फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आप चेक पर देखेंगे एक ऐसे चेक है, तो यहाँ पे एक इस फॉर्म में मतलब इधर को करके लिखा होगा CTS 2010, तो 2010 में एक CTS का इंट्रोडक्शन किया गया, ठीक है। उससे क्या होता है कि चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज हम बैंक को भेजते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, वहां से वो क्लियर करके भेज देते हैं, ये काम जो है वो सेम डे में हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो चेक क्या है, चेक एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो हम अपनी बैंक को इशू करते हैं और उसको ये डायरेक्शन देते हैं कि एक स्पेसिफिक पर्सन जिसका नाम मेंशन है चेक में, ठीक है, या फिर बियरर या फिर जो उसका धारक है, उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट जो उस चेक में मेंशन है पे कर दिया जाए। तो ये बेसिक सी बात हुई कि चेक होता क्या है, ठीक है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब हम बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ चेक के बारे में, चेक में होता क्या क्या है, ठीक है। नंबर वन, चेक जो है एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। अगर आपने पिछली वीडियोस प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की नहीं देखी है तो पहले वो देखिए, वरना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम अभी इसमें बोलेंगे कि चेक को एंडोर्स किया जा सकता है, एंडोर्समेंट क्या होता है, कैसे एंडोर्स किया जाएगा हम नहीं बताएंगे, क्योंकि पहले की जो पूरी वीडियो देखी होगी क्लास में तो वहां पर हमने प्रॉमिसरी नोट में ये चीजें क्लियर की हुई है। तो चेक एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, ठीक है, जैसे हमने बोला था ना कि आप जब प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा रहे थे कि आप उसमें कंडीशन दे सकते हो कि पे टू पूजा इफ ही रिटर्न्स फ्रॉम कहीं के बोल दिए नेपाल, ठीक है, तो वो चीज वहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट में चल जाती है, लेकिन चेक में ये चीज नहीं चलेगी। तो चेक क्या होगा, एक अनकंडीशनल ऑर्डर होगा, एंड इसमें नेक्स्ट चीज शुड बी डेटेड,
उसमें डेट पड़ी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई डेट नहीं पड़ी हुई है, ठीक है। नंबर दूसरे हम चेक के एसेंशियल्स की बात करें तो चेक पेमेंट जो है वो हमेशा कैश या ट्रांसफर ऑफ अकाउंट ही होता है, कैश या फिर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट ही होगा और कोई मेथड उसमें नहीं हो सकता है। नंबर तीन है चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए पर्टिकुलर बैंक, ठीक है, किसी भी एक बैंक में ही आपको वो चेक देना पड़ेगा, कोई पर्सन उस चेक के बदले आपको पैसा नहीं देगा, ठीक है। तो आपको एक पर्टिकुलर बैंक में ही वो प्रेजेंट होना करना पड़ेगा और जो मनी होता है वो ऑन डिमांड आपको मिलता है, जब आप डिमांड करोगे चेक अपना लगाओगे तब आपको वो पैसा मिल जाएगा, ठीक है। नंबर फाइव मेकर शुड साइन इट, मतलब जो भी आपको चेक दे रहा है उसको उस पे वैलिड साइन करने होंगे जो उसके बैंक अकाउंट में साइन हो रखे हैं, तभी आपको उसका पैसा मिलेगा। अब देखिए चेक में पार्टीज कौन कौन सी होती हैं। पहली पार्टी होती है आपकी ड्रॉअर, सॉरी बी लिख गया है, ड्रॉअर स्लैश मेकर, मतलब ये कौन हुआ, जो चेक इशू कर रहा है, जो चेक पे नीचे साइन करता है वो हो गया आपका ड्रॉअर या मेकर। नंबर टू पार्टी हो गई आपकी ड्रॉई, ये क्या होती है, ये बेसिकली बैंक होती है जो आपको पैसे पे करेगी, ठीक है, वो कौन हो गया, बैंक। नंबर थर्ड आपका होती है पार्टी पे, जिसको पैसा मिलेगा तो आप कहते हैं रिसीवर, जो पैसे रिसीव करेगा, जिसको जो इंटाइटल्ड है पैसे पाने के लिए उसको हम बोलते हैं पे। एक हम अदर पार्टीज की भी बात करें तो कुछ अदर पार्टीज भी हो सकती हैं इसमें, कौन सी, इंडोर्सर, जो इंडोर्स करेगा, इंडोर्सर और इंडोर्सी। अब यहां पे सिर्फ मैं टर्म बता रहा हूं, एक इंडोर्सर और एक इंडोर्सी भी हो सकता है चेक में। इसके लिए अब आप प्रोमोशन नोट वाला वीडियो देख लीजिए, इंडोर्सर क्या होता है, इंडोर्सी क्या होता है ये भी बताया है, कैसे इंडोर्समेंट करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट का वो भी हमने वहां पर डिटेल में बहुत कवर किया हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब यहां से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, क्या टाइप्स ऑफ चेक कौन कौन से होते हैं, अभी मैं आपको बढ़िया से समझाऊंगा, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। बेरर चेक होता है, ऑर्डर चेक होता है, क्रॉस चेक होता है, स्टेल चेक होता है, पीडीसी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक होता है, म्यूटिलेटेड चेक होता है, ओपन चेक होता है, ट्रेवलर चेक होता है, सेल्फ चेक होता है, ब्लैंक चेक होता है, बैंकर्स चेक होता है, ठीक है। एंड जो क्रॉस चेक होता है उसमें भी कई तरह से क्रॉसिंग होती है, दो तीन तरीके हैं, उनकी भी हम अब इस वीडियो में बात कर लेते हैं। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, बेरर चेक। नंबर वन आपका हुआ बीयरर चेक। बीयरर चेक क्या होता है, एक ऐसा चेक जो किसी पर्सन को, जो भी बीयरर है, जो भी उसका धारक है, उसको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें पर्सन की आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। अभी देखो एक ऐसा चेक है, ठीक है, लिखा हुआ है पे टू डैश और बीयरर, ठीक है, यहां पे कुछ नहीं लिखा, और बीयरर सम ऑफ रुपीज 1 लाख मानो लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक सिंबल सा बना रहा हूँ और यहाँ पे साइन है अकाउंट होल्डर के, ठीक है, नॉर्मल सा ये चेक है। अब इस चेक पे अगर बियरर लिखा हुआ है, साइन जिसने चेक दिया है उसने बियरर वर्ड को काटा नहीं है, सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है पे टू रमेश और बियरर, दोनों चीजें लिखी हुई है, और लगा हुआ है और बियरर वर्ड नहीं कटा है, तो ये एक बियरर चेक हुआ। इस पे अकाउंट होल्डर ने साइन कर दिए, रमेश भैया ये चेक लेके बैंक गए, उनको हाथों हाथ कैश पैसा मिल जाएगा, रमेश की जगह सुरेश गए तो सुरेश को भी मिल जाएगा। अच्छा एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे एग्जाम इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे बियरर वर्ड लिखा हुआ है, सपोज एक डॉग आपको चेक प्रेजेंट कर रहा है, जस्ट एक इमेजिनेशन है, तो क्या यह एक रोबोट प्रेजेंट कर रहा है चेक, रोबोट, तो क्या उसकी पेमेंट करेंगे? जी हाँ बिल्कुल पेमेंट करेंगे, कौन पेमेंट ले रहा है मतलब नहीं है, एंड उसकी हमें किसी भी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बियरर यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है, जो भी चेक धारक है उसको पैसा दे दो, तो यहाँ पे जो भैया हमारे पास चेक लेके आएगा हम उसको पैसे दे देंगे, ये हो गया आपका बियरर चेक, ठीक है। बैंकिंग में एक प्रैक्टिस है, ये कोई रूल नहीं है लेकिन ये प्रैक्टिस है, कि जब भी आप चेक से पेमेंट लेने जाते हैं तो चेक के पीछे आपसे साइन करा लेते हैं, वो साइन सिर्फ इसलिए कराते हैं कि एक एविडेंस रहे कि भाई इस चेक का पेमेंट जो है किसी ने ले लिया है, कर दिया गया है, बाकी ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि चेक के पीछे साइन करना ही पड़ेगा अगर वो बियरर चेक है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का आपका चेक होता है, डेट इज ऑर्डर चेक, ठीक है। ऑर्डर चेक में क्या होता है, एक पर्टिकुलर
पर्सन को ही पेमेंट होगा। अब ये चेक है, यहाँ पर सेम चेक ऐसा ही है, लेकिन साइन अकाउंट होल्डर ने क्या किया, बियरर वर्ड को ऐसे काट दिया, चेक के ऊपर लिखा रहता है काट दिया। अब क्या हो गया, पे टू रमेश, अब ये बन गया ऑर्डर चेक। मतलब अब ये भैया अकाउंट होल्डर ये बोल रहा है कि रमेश को ही पेमेंट देना। अब इस केस में बैंक क्या करेगा, बैंक को आइडेंटिफाई करना होगा कि रमेश को ही पेमेंट करनी है, किसी और को ना हो जाए। अब आप इसे पूछोगे, सर रमेश नाम के अगर तीन आदमी है तो किसी को भी हो जाएगी? बिल्कुल यार, किसी को भी पेमेंट हो जाएगी। बैंक वाला सिर्फ ये आइडेंटिफाई करेगा कि रमेश